गाइज Redmi की तरफ से तीन न्यू मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं 25 जून को, जो Redmi 9, Redmi 9A और Redmi 9C। तो आज हम बात करने वाले हैं Redmi 9 के बारे में, क्योंकि हमेशा से Redmi के जो मोबाइल्स होते हैं उनके पहले रूमर्स आते हैं, फिर लीक्स आते हैं, और लगभग जब फोन लॉन्च होता है तो सब कुछ हमें पता लग चुका होता है, उस पर ऑफिशियल मोहर लगना बाकी रहती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, Redmi 9 के बारे में, और बताएंगे आपको कि क्या क्या इसके जो लीक्स हैं वो आए हैं, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है, इसका क्या प्राइस होने वाला है, और ये आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बाकी आपके अपने ओपिनियंस का भी स्वागत है, नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियोज में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आपको डेली टेक वीडियोज मिले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनको इनका लीक्स हुए हैं डिजाइन और बॉडी को देखते हुए। तो प्लास्टिक फ्रेम ही आपको मिलने वाला है, पॉली कार्बोनेट की आपको यहाँ पर बॉडी मिलने वाली, क्योंकि Redmi 9 Redmi 8 का सक्सेसर होने, लेकिन आपको इस बार कुछ चीजें बेटर देखने के लिए मिलने वाली है Redmi 8 के मुकाबले। आपको यहाँ पर 6.53 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में IPS HD डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है, और जो आपको नोच मिलने वाली है वो नोच नहीं मिलेगी इस बार, आपको पंच होल कैमरा मिलेगा, वो भी मिडिल में। तो डिजाइन आपका फ्रंट साइड से बहुत अच्छा होने वाला है, और जबकि आप सब जानते हैं कि Redmi 8 में आपको HD प्लस डिस्प्ले मिली थी, लेकिन Redmi 9 में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले मिलने वाली है, ये भी एक काफी अच्छा अपग्रेड है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की, तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर MediaTek का Helio G80। जी हाँ, पहले G70 का रूमर्स थे, लेकिन अभी एक दो दिन पहले न्यूज जो आई निकल के वो G80 के बारे में आई है कि आपको G80 मिलेगा। इसमें क्या आपको Cortex A75 की दो कोर्स मिलती हैं, जो 2 GHz तक क्लॉक हैं, बाकी 6 कोर जो हैं वो Cortex A55 की मिलती हैं, जो कि आपके 1.8 GHz तक क्लॉक हैं, और Mali G52 का आपको यहाँ पर GPU देखने के लिए मिलता है, जो 950 MHz तक क्लॉक है। तो ओवरऑल फोन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत दमदार होने वाली है। G80 काफी अच्छा प्रोसेसर है, और G80 के साथ में हमने स्नैपड्रैगन 665 का कंपैरिजन कर रखा है। आप चाहें तो ऊपर देख लीजिएगा, आईबटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट है प्रोसेसर कंपैरिजन, उसमें भी चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें कैमरा की, तो कैमरा कौन सा होने वाला है, कैसे होने वाला बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है, जो मेरे ख्याल से आपको एक अल्ट्रा वाइड होने वाला है, और एक आपको डेप्थ सेंसर मिलेगा, और आपको प्राइमरी लेंस मिलेगा। अब प्राइमरी लेंस आपका 48 मेगापिक्सल भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो 13 मेगापिक्सल भी हो, बाकी अभी कन्फर्म कुछ नहीं है, सिर्फ र्यूमर्स ही हैं और लीक्स ही हैं। तो लीक्स के हिसाब से तो आपको 13 मेगापिक्सल यहाँ पर प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है। बैटरी आपको 5000 mAh की मिलेगी, 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा यहाँ पर, ये भी काफ़ी अच्छा एक अपग्रेड है, क्योंकि पहले आपको फास्ट चार्जर सपोर्ट था लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 18 वाट का चार्जर भी मिलने वाला है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। दो वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है, 3 32 GB और 4 64 GB, जो इसकी प्राइस होने वाली है वो अंडर $150 होने वाली है वियतनाम में। ये अनुमान है कि इंडिया के अंदर आपको इससे थोड़ा सा कम प्राइस में लॉन्च होगा। तो मेरे ख्याल से जो मेरी प्राइस है, जो मेरे हिसाब से लगती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारा Redmi 9 है वो 3 32 वाला वेरियंट आपको 9999 रुपये में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन ये कहते हैं कि Redmi 9 को अब Redmi Note 9 की जगह दी जाएगी, और Redmi Note 9 आपको 11 या 12,000 में लॉन्च करना पड़ेगा यहाँ पर Redmi को। तो ऐसा मुझे लगता है जो इनकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल से इनकी प्राइस बढ़ गई है, और जो 9A है वो आपको Redmi 9 वाले प्राइस में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है, लगभग 1000 से 1500 आपके हर मोबाइल कॉस्टली हो गया है बिकॉज ऑफ GST। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर प्राइस तो महंगी होनी है, और इस बार आपको 9999 में, जिस स्पेक्स के साथ में ये आता है, अगर ये स्पेक्स आते हैं तो मैं कहूँगा कि 11,000 का भी बुरा मोबाइल नहीं है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है 25 जून को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी आपके हिसाब से क्या हो सकता है इसका प्राइस, वो भी मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।